बता दें कि रोहित शर्मा ने इंजेक्शन लगवाकर बल्लेबाजी की है बांग्लादेश के खिलाफ। दूसरे ही ओवर में लग गई थी रोहित शर्मा को चोट, और बता दें कि दूसरे वनडे में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे रोहित शर्मा। स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे और दूसरे ही ओवर में एक कैच लपकने की कोशिश में उनके हाथ में चोट लग गई थी। गेंद लगते ही रोहित शर्मा के हाथ से खून बहना शुरू हुआ और वो तुरंत मैदान छोड़कर चले गए थे। फिर खबर आई कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका एक्सरे हुआ। रोहित शर्मा के हाथ में टांके लगे और जब वो मैदान पर लौटे तो टीम इंडिया को मुसीबत में देख वो बल्लेबाजी करने आ गए। रोहित शर्मा के हाथों में दर्द था, लेकिन ये खिलाड़ी इसके बावजूद भी बेहतरीन शॉट खेलना नजर आए और रोहित शर्मा ने 28 गेंदों में 51 रन बनाए और इस दौरान उनके बल्ले से 5 छक्के भी निकले। रोहित शर्मा ने 90 मीटर से ज्यादा लंबे छक्के लगाए, वो मैच को काफी करीब लेकर आए, लेकिन अंत में जीत तो बांग्लादेश की हुई। चोट के वजह से रोहित शर्मा टीम से बाहर हो गए, लेकिन अभिमन्यु को मिल सकता है टीम इंडिया में जगह। अभिमन्यु ने हाल ही में 4 मैच में ठोके थे 470 रन। बता दें कि शतकों की हैट्रिक लगाई थी। वही पीटीआई की खबर के मुताबिक दाएं हाथ के बल्लेबाज अभिमन्यु का रोहित शर्मा की जगह लेना पक्की बात है और ये खिलाड़ी बांग्लादेश के खिलाफ चल रही 2 मैचों की अनाधिकारिक टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का कप्तान रहे और वही अभिमन्यु ने दोनों ही मैच में शतक ठोका था।